आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 361वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन पर। ये रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेपर ब्लॉक लगे हुए थे, जो टाइल्स लगी थी, उन टाइल्स को निकाल दिया गया। एक बार निकाला लगाया, फिर निकाला फिर लगाया, अब यहाँ पर कंक्रीट किया गया है। और कंक्रीट के ऊपर ये देख सकते हैं ये कोटा स्टोन यहाँ पर लगाया जा रहा है। कोटा स्टोन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सब जगह रखा हुआ दिख रहा होगा। आज सबसे एक महत्वपूर्ण बात, एक ये रैक खड़ा हुआ है। ये रैक जैसा अभी स्टेशन मास्टर ने बताया कि रैक डबरा जाएगा यहाँ से, और एक रैक अभी सिवनी के रैक पॉइंट पर खड़ा हुआ है। सिवनी के रैक पॉइंट पर जो भरा जा रहा है अनाज, अनाज भरने के बाद वो उस रैक को रवाना किया जाएगा और उसकी जगह पर इस रैक को खड़ा किया जाएगा। तीसरा रैक यहाँ पर, एक पूरी मालगाड़ी जा चुकी है, उसके बाद दूसरी अभी खड़ी है वो जाएगी, और ये डबरा के लिए तीसरी तैयार है। यहाँ हम आपको अब आगे दिखाते हैं, देखिए यहाँ से लेकर आगे तक हम पूरा आपको नज़ारा यहाँ पर दिखाते हैं। ये बहुत तेज़ी से फुट ओवर ब्रिज का काम यहाँ पर चल रहा है। फुट ओवर ब्रिज में टाइल्स लगाई जा रही हैं और ये खाली रेलगाड़ी यहाँ दिख रही है। हम आपको ऊपर ले चलते हैं, पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं कि ऊपर, यहाँ ऊपर जो है वो कोई आपके ठेकेदार नहीं है, उस तरफ हैं तो ऊपर जा सकते हैं ना, सभी जा रहे हैं। चलिए, आपका कहना है कि सभी जा रहे हैं तो हम लोग भी ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर से नज़ारा किस तरह का यहाँ दिखाई देता है। सीमेंट यहाँ लग रहा है, टाइल्स आप देख रहे होंगे यहाँ लग चुकी हैं, और इन टाइल्स के साथ ही यहाँ ऊपर भी बहुत सुंदर दिख रही हैं टाइल्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक, और उस पर पानी डल रहा है। यहाँ अगर आप देखिए तो रेलगाड़ी पूरी कटंगी रोड का जो ओवरब्रिज है उसके पीछे तक ये खड़ी हुई आपको दिख रही होगी ये रेलगाड़ी। इस तरफ यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इंजन खड़ा हुआ है, जहाँ सिवनी लिखा हुआ वहाँ इंजन खड़ा हुआ है। कितना सुंदर यहाँ नज़ारा दिख रहा है। ये यहाँ पर भी शायद कुछ बन रहा है, अभी हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है। यहाँ से ये क्या तराई कर रहे हैं, इसकी ये तराई हो रही है यहाँ पर। अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत गुणवत्ता युक्त कार्य आपको होता हुआ यहाँ दिख रहा होगा। ये प्लेटफॉर्म पर अभी भी बहुत काम बाकी नज़र आ रहा है। ये आपको प्लेटफॉर्म हम दिखा रहे हैं, इसके अलावा एक ट्रैक, ये नीचे आप देखेंगे एक ट्रैक यहाँ दिख रहा होगा। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन पर रेलगाड़ी खड़ी हुई है, बीच में एक थ्रू लाइन, उसके बाद प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ एक रेलवे लाइन ये, और एक रेल लाइन यहाँ आपको इस तरह चार, यहाँ चार लाइन रेलवे की दिख रही होंगी, जिसमें से तीन लाइन प्लेटफॉर्म को स्पर्श कर रही हैं, और उन दोनों के बीच में एक थ्रू लाइन, जिस भी ट्रेन को यहाँ नहीं रुकना है, सीधे सीधे जाएंगी वो ट्रेन, उसके लिए वो थ्रू लाइन। फुट ओवर ब्रिज के दो प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर दिया गया, तीसरे प्लेटफॉर्म पर अभी भी यहाँ पर खाली आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ किसी तरह की पट्टियाँ नहीं लगाई गई हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी होती हैं, उन पट्टियों को लगाना यहाँ बहुत ज़रूरी है। यहाँ धोखा कभी भी हो सकता है। अगर आप देखें तो कितनी यहाँ पर गहराई, यहाँ नीचे अगर आप देखिएगा तो कितनी गहराई यहाँ पर नीचे है, और यहाँ सिर्फ रस्सियाँ बांध दी गई हैं काम चलाऊ तरीके से। इसके अलावा मुख्य भवन का काम यहाँ पर जारी है। ये मठ मंदिर का मैदान आपको पीछे दिख रहा होगा, हमारे ठीक पीछे मठ मंदिर का मैदान, ये यहाँ पर मुख्य भवन का काम जारी है। मुख्य भवन की अप्रोच रोड अगर आप देखेंगे तो ये अप्रोच रोड सीधी पुराना जो रेलवे स्टेशन था वहाँ से ये चली आ रही है अप्रोच रोड यहाँ तक, और मठ मंदिर का मैदान, और ये जो हरियाली दिख रही है, हरियाली के ठीक पीछे मठ मंदिर आपको
यहाँ पर है, और ये पानी की टंकी के जो उस तरफ आप देखेंगे, अगर ये पानी की टंकी के वहाँ देखिएगा तो वहाँ पर मठ तालाब आपको नज़र आएगा। ये पुराना जयप्रकाश वार्ड जो अब विवेकानंद वार्ड बन चुका है, ये सारा आपको दिख रहा होगा। सिवनी शहर, यहाँ DRM नागपुर या चीफ इंजीनियर नागपुर जो SECR के हैं, वे ज़रूर इसको देखें, यहाँ धोखा हो सकता है। वैसे तो हम अनुमति लेकर जो वहाँ काम कर रहे हैं, कोई सुपरवाइज़र यहाँ नज़र नहीं आया, हम यहाँ उनकी अनुमति लेकर ऊपर आए हैं। और पिछली बार उन्होंने जो यहाँ पर रेलवे के एक तकनीकी कर्मचारी यहाँ मौजूद थे, जो अब नहीं है, फिलहाल कोई भी तकनीकी कर्मचारी यहाँ नहीं दिख रहा है। ये रेलगाड़ी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये रेलगाड़ी हमारे ठीक पीछे आपको पूरी रेलगाड़ी दिखाई दे रही होगी। इसी चीज़ को देखने के लिए, इसी चीज़ को महसूस करने के लिए सिवनी के निवासी लगातार ही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर रेलगाड़ी चलनी चाहिए। ये रेलवे के एक कोई कर्मचारी, देखिए आप नीचे अगर देखेंगे तो ये वैगन का नंबर ये लिख रहे हैं कि कौन से कितने वैगन हैं, कितने नंबर हैं, और लगभग इसको देखकर 55 से ज़्यादा डब्बे की ये मालगाड़ी दिख रही है। यहाँ से आप अगर वो जो छोर दिख रहा है जहाँ पर ये रेलगाड़ी ख़त्म हुई, उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो रैक पॉइंट आ जाएगा। रैक पॉइंट की दुर्दशा हम आपको पहले बता चुके हैं, अब हम आपको नीचे लेकर चलते हैं। यहाँ देखिएगा कितना सुंदर यहाँ नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्रेन खड़ी हुई, दूर से अगर आप देखेंगे तो ये सवारी गाड़ी जैसी दिख रही थी। सवारी गाड़ी के डब्बे जब ख़राब हो गए होंगे तो उसे मालगाड़ी के डब्बों में तब्दील कर दिया गया है। अब हम यहाँ से आपको इस तरफ का नज़ारा भी एक बार आपको हम दिखा देते हैं, रेलवे फुटओवर ब्रिज के ऊपर से। हमारे पीछे वो जो पीले रंग का भवन दिख रहा है, वो संभवतः ट्राइबल का हॉस्टल और उनका स्कूल है। उसके बाजू में महाकालेश्वर की पहाड़ी, इस तरफ ये नागपुर रोड आपको दिख रही होगी। यहाँ पर रेलवे के जो क्वार्टर्स, नए क्वार्टर बने हुए, नए मकान बने हुए हैं, वो इस तरफ आपको दिखाई देंगे। यहाँ तो पेड़ों के पीछे हैं, और यहाँ से अगर आप नीचे देखें तो ये रेलवे फुटओवर ब्रिज किस तेज गति से काम चल रहा है। यहाँ आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये टाइल्स लेकर ये देखिए आ रहे हैं, ये टाइल्स यहाँ पर लगेंगी, पर आज भी यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के साधन किसी के पास भी नहीं दिख रहे हैं। कोई भी यहाँ पर आपको ना हेलमेट लगाया हुआ होगा, क्योंकि ये जो रख कर ला रहे हैं टाइल्स, ना ही कोई सुरक्षा जैकेट, ना ही वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से बंद किया गया है, ना ही कार्य प्रगति पर है ये लिखा गया है, ना ही ऊपर चढ़ना मना है लिखा गया है। कम से कम कुछ नहीं तो हाथ से लिख कर ही यहाँ लगाया जा सकता था। चलिए इसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये इंजन खड़ा हुआ है यहाँ पर, दो इंजन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, एक नहीं दो इंजन हैं, और जैसा अभी बताया गया कि ये दोनों इंजन यहाँ से काट कर ले जाए जाएंगे। जो रैक पॉइंट पर रैक खड़ा हुआ है, उस रैक को लाकर किसी और ट्रैक पर खड़ा किया जाएगा, और उसके बाद वहाँ से ये इंजन वापस आएंगे और इंजन इस वाले रैक को ले जाकर रैक पॉइंट पर खड़ा करेंगे। ये लोकल जो शंटिंग की व्यवस्था है उस तरह से यहाँ पर किया जाएगा। और ये देखिए, ये एरावत नाम के दो इंजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये इस अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप लोग क्या नैनपुर का स्टाफ हैं जी? तो अभी ये यहाँ से आप क्या करेंगे, ये इंजन और गाड़ी को क्या करेंगे? यहाँ जो गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर सेंटिंग हो गई, इसका इंजन कटेगा, उसमें गुड साइड पे गाड़ी है, उसको उसमें लगेगा इंजन, उससे इंजन उसको पूरी गाड़ी लेके दो नंबर लाइन लाएंगे, फिर दो नंबर लाइन से फिर उसको हैंड ब्रेक वगैरह सिक्योर करके फिर उससे इंजन काट के अब एक नंबर लाइन इस पर आगे इंजन ले जाके फिर दो एक नंबर लाइन पर लाएंगे। एक नंबर की जो VCNMT आई है उसको जाके गुड साइड पे छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर इंजन फिर वहाँ से वहाँ प्लेसमेंट होगी गाड़ी, इंजन आएगा, फिर आगे जो ऊपर प्रोग्राम रहेगा उसके अनुसार। और उस वाले को जो आप वहाँ भरा हुआ छोड़ेंगे रैक को, उसका क्या होगा? उसमें आपका कंट्रोल जो प्रोग्राम देगा का, उसको लेके जाने का रहेगा तो उसको लेके जाएंगे। अच्छा, अगर उसको लेकर जाना होगा तो उसको लेकर जाएंगे, और अगर उसको लेकर नहीं जाना होगा तो उसको यहीं दो नंबर पे छोड़ दिया जाएगा,
और ये वाला जो आप समझ गए होंगे जैसा उन्होंने बताया कि ये वाला जो ये रैक है, इस रैक को यहाँ छोड़कर इंजन, दोनों इंजन जाएंगे और यहाँ से जो आपको हम दिखाएं, ये देखिए यहाँ से जो ट्रैक चेंज होता है ये बीच वाले ट्रैक पर जाकर और फिर वापस लेकर जाया जाएगा। वहाँ से जो खाली भरा हुआ रैक है उसको लाकर दो नंबर पर उन्होंने बताया उस पर लाकर छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद इंजन पुनः काट कर इस जो यहाँ पर खाली रैक खड़ा हुआ है इस रैक को ले जाकर रैक पॉइंट पर खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको अगर ये निर्देश मिलता है कि उस जो भरा हुआ रैक है उस भरे हुए रैक को आगे ले जाना है तो उसको ले जाएंगे, अन्यथा ये दोनों इंजन यहाँ से इनका कहना या तो छिंदवाड़ा चले जाएंगे या वापस नैनपुर ले जाया जाएगा इन दोनों इंजन को। तो ये यहाँ पर अभी फिलहाल में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं। सिवनी रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हुए हैं, सवारी गाड़ी अभी भी आरम्भ नहीं हो पाई है। सवारी गाड़ी आरम्भ नहीं हो पाने के चलते यहाँ आप देख सकते हैं जो भी गाड़ियाँ, जो भी इंजन रैक आते हैं उसे देखने के लिए देखिए कितनी यहाँ पर भीड़ जुट जाती है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, लोग चाहते हैं कि यहाँ सवारी गाड़ी चालू हो, पर अभी तक सवारी गाड़ी आरंभ नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ धीरे 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 जुटती जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 361वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको लिमटी की लालटेन अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 362वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।